टीवी का जशिस ब्लॉग्स में और मैं हूँ दर्शी। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज करवा चौथ है और मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक छोटा सा ब्लॉग शेयर किया जाए कि हम महिलाओं को भी करवा चौथ के दिन भी कितना काम करना होता है। चुप रहो बेटा, यहाँ पर मेरा बेटा है खुश। और अभी अभी जस्ट मैं सारे कामों से फ्री हुई हूँ किचन के, क्योंकि चाहे हम लोगों का व्रत रहे लेकिन फिर भी घर का काम तो हमें करना ही पड़ता है। तो आज खुश के पापा की ड्यूटी थी, संडे था, फिर भी आज ड्यूटी थी उनकी, क्योंकि चुनाव अभी आने वाले हैं तो उनकी अभी कुछ मीटिंग्स वगैरह चल रही है, तो आज वो सुबह से मीटिंग में गए हैं। और बस उनको मैंने खाना बना के दिया, घर का पूरा सारा काम किया, किचन साफ किया, बस अभी जा कर के फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज छोटा सा ब्लॉग एक बना लेती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ। आई होप कि आपको ब्लॉग आज का ज़रूर पसंद आएगा। करवा चौथ पर शाम को जो पूजा होती है, उस पूजा में हम लोगों को क्या क्या तैयारी करनी होती है और क्या क्या करना होता है, सारा अरेंजमेंट में जो अभी करने वाली हूँ वो सब आपको दिखाऊँगी। और आज का मेरा ये लुक है, मैंने ये पिंक कलर की साड़ी पहनी है और ये ब्लाउज है मेरा बहुत ही अच्छा जो मैंने खुद से स्टिच करवाया है, और कुछ इस तरह का मेरा लुक है। तो फ्रेंड चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, और तो ठीक है फ्रेंड मैं कल शाम को पूजा में क्या क्या करने वाली हूँ उन सब की तैयारी करूँगी, और मैं शाम को क्या पहनने वाली हूँ वो आउटफिट भी मैंने निकाल करके रखा है। वैसा तो मैंने इस करवा चौथ पर कुछ ख़रीदा नहीं है, जो मेरे पास पहले से था वही है मेरे पास, तो मैं उसी को ही पहन लूँगी। एक्चुअली मैं ब्लाउज़ भी नहीं सिलवा पाई, एक है मेरे पास मिक्स एंड मैच करके पहन लूँगी उसी को। वैसे भी हम लेडीज़ों के पास तो आइडियाज़ रहते हैं कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके ढूंढने के, यदि कोई मैच का नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच करके हम लोग पहन ही लेते हैं। तो ऐसा ही मैंने आज कुछ किया है कि एक साड़ी मेरे पास कोरी न्यू रखी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि चौथ के दिन हमें कोरे कपड़े ही पहनने चाहिए, तो एक साड़ी थी मेरे पास, कोरी साड़ी रखी थी मैंने, तो वो साड़ी मैंने निकाली है और उसी का मिक्स एंड मैच करके एक ब्लाउज भी मैंने निकाला है, तो उसी को मैं पहनूंगी। और उससे मैचिंग की चूड़ियाँ निकाली है मैंने, वो चूड़ियाँ पहनूंगी। तो मैंने क्या क्या निकाल के रखा है वो सब मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है फ्रेंड, रात को मैंने ये मेहंदी लगाई थी खुद से, एक्चुअली मैंने रात को ही धो ली थी तो कलर उसका अच्छे से आ नहीं पाया, बट शाम तक थोड़ा और कलर आ जाएगा। तो एक हाथ में तो नहीं लगा पाई मैं, क्योंकि एक हाथ से ही लग पाती है, तो मैंने सिर्फ एक ही हाथ में लगाई हूँ। और देखूँगी इस पर कुछ बिंदी वगैरह रखूँगी अभी फ़िलहाल, तो इस तरह की मैंने मेहंदी लगाई है खुद से। तो ठीक है फ्रेंड चलते हैं, और मैंने क्या क्या सामान निकाला वो देखते हैं। चलिए बेटा आ जाओ, खुश हो आओ, इसको देखिए जरा ये क्या कर रहा है। चलो आओ बेटा, तो फ्रेंड आ गए हैं यहाँ हम रूम में, और मैंने कुछ सामान निकाल करके रखा है ये सब, तो अभी मैं बताने वाली हूँ कि क्या क्या सामान मैंने निकाल के रखा है रात को पहनने के लिए, शाम की पूजा में मैं क्या क्या पहनूँगी। तो फ्रेंड ये है साड़ी रेड कलर की, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, कपड़ा बहुत अच्छा है, देखिए साड़ी है, तो इसे ही शाम को आज मैं पहनने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने कोई साड़ी नहीं खरीदी थी तो मैं इसे ही आज पहनूंगी, और इसका ब्लाउज मैंने स्टिच करने के लिए दिया है पर वो अभी सिल करके नहीं आया है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी। तो मेरे पास एक ये ब्लाउज था ये, जो कि गोल्डन है और उस पर रेड वर्क है इस तरह का, तो इसे ही आज मैं पहन लूँगी, और अच्छा इस पर अच्छा मिक्स एंड मैच भी हो जाएगा कुछ इस तरह से, तो इसे ही मैं चला लूँगी आज। तो ये रही मेरी साड़ी, हाँ बेटा, और
वाला जो कि मैंने सेट लगा करके रखा है। मैंने चूड़ियाँ मतलब मेरे पास थी, एक चूड़ा रखा हुआ था तो उसी को ही मैंने अच्छे से मिक्स, सारी चूड़ियों को मिक्स कर लिया है और एक सेट बना लिया है। तो इसको मैंने पहले से ही बना करके रखा है ताकि मुझे पूजा के टाइम ज़्यादा लेट ना हो, तो मैंने इसको पहले से रेडी करके रखा है जो कि साड़ी के साथ बहुत अच्छे से जाएगा ये। तो इसे मैंने ये आज मैं शाम को ये पूजा में पहनने वाली हूँ, ये वाला चूड़ा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर साल हम लोग कुछ नया ही खरीदें। मैं ऐसा मानती हूँ कि यदि हमारे पास सामान है, साड़ी है, चूड़ी है, तो उन्हें हमें और खरीद के पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच करके हमें पहन लेना चाहिए। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि यदि जो हम अभी करवा चौथ के लिए हर साल नया खरीदना चाहते हैं, उन्हीं पैसों से हम कुछ और खरीद लें तो वो हमारे काम भी आ जाएगा। तो मैंने भी ऐसे कुछ सोचा, मेरे पास सब कुछ था तो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। हाँ, कुछ इसमें एक तो चूड़ी का सेट है जैसे कि ये वाला, तो ये मैं खरीद के लेके आई थी, तो इसके साथ मैंने अच्छे से मैच करके और एक अच्छा सेट बना लिया है। तो ये चूड़ी आज मैं पहनने वाली हूँ। और इसके साथ ये है गजरा, ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा था 20 रुपये का। यस, 20 रुपये का है ये, बहुत अच्छा है, बालों में लगने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक ये है, इसे मैं लगा लूँगी। और फ्रेंड कुछ सामान है जो मैंने मैंने बुलवाया था मीशो से, जो कि मैं अभी शाम को पहनने वाली हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। यह नेकलेस, ये वाला, इसे मैं शाम को पहनने वाली हूँ, बहुत अच्छा लगेगा ये, तो इसे मैं शाम को पहन निकाल के दिखा देती हूँ। ये है इसका नेकलेस, बहुत ही सुंदर पीस है ये। और उसके साथ में मैंने मंगाई है एक बिंदी जो कि आप देख सकते हैं। पापा आ गए, खुश हो, पापा आ गए बेटा सच में। तो एक ये है और देखिए कमरबंद जिसे कि आदमी पहनने वाली है, ये है। पेंट लगाने वाली हूँ ये वाली, ये पैरों में लगाऊंगी मैं, इसे मैंने सोच के रखा है कि इसे मैं पैरों में लगाऊंगी। और एक्चुअली रेड कलर की मेहंदी होती है तो मैंने इस पर इस कलर का ये नेल पेंट निकाला है, तो ये नेल पेंट लगाऊंगी मैं। और बालों में ये डोनट जो बालों में लगाते हैं, ये बिंदी है मैचिंग की, तो इसमें से बिंदी लगा लूँगी मैं। तो ये था मेरा आउटफिट आज का कपड़ी का, और इसका सा सारा सामान जो कि मैं शाम को पूजा में पहनने वाली हूँ। तो फ्रेंड ये था सामान, और मैंने पूजा के लिए कुछ सामान निकाल करके रखा है, ये जो मैं अभी आरती की थाली में रखूँगी, तब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने जो पूजा के लिए आरती की थाली सजाई है वो कैसे सजाई है, उसमें मैंने क्या क्या रखा है। तो ये सारा सामान जो है मैं उसी में पूजा में रखूँगी। तो ठीक है फ्रेंड, अभी मिलती हूँ कुछ देर से, कुछ के पापा आ गए तो मुझे गेट खोलना है, वो बाहर खड़े हैं, तो ठीक है मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से।
करवा ये जो मैं फ्रेंड करवा चौथ के लिए मैं ये करवा लेकर के आई हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर करवा है और जैसे मैंने लोकल मार्केट से ही खरीदा है और ये है चली खुश हो। देखिए फ्रेंड खुश हो क्या क्या करता है। यह चलनी बहुत ही सिंपल सोवर है, उसमें कुछ ज़्यादा एक्चुअली मैंने सोचा था कि घर में डेकोरेट कर लूँगी कुछ भी लेस वगैरह ला करके, पर मौका ही नहीं मिल पाया, टाइम ही नहीं मिल पाया। तो फिर मैं मार्केट में गई थी तो मुझे ये सब कुछ रेडीमेड ही मिलता अच्छा मिल रहा था, तो फिर मैंने यही ले लिया क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, कुछ नहीं करने देता है। तो फिर मैंने सोचा अगर मैं ले करके आ जाऊँगी नहीं कर पाई तो फिर, और यहाँ मैंने खाना भी चढ़ा दिया, सीटी आ गई है। एक्चुअली मैं आज शाम को दाल बाटी और चूरमा बनाने वाली हूँ और चूरमा के लड्डू बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं रात को मतलब शाम को ज़्यादा लेट ना हो जाऊँ इसलिए मैंने अभी से काम शुरू कर दिया है और मैंने दाल भी चढ़ा करके आ गई हूँ। एक्चुअली अभी मैंने आपको जैसे कि बताया कि कुछ के पापा की आज भी ड्यूटी थी, मतलब मीटिंग चल रही थी और यही लोकल मतलब यही इसी शहर में थी, तो वो अभी लंच ब्रेक हुआ था इसीलिए लंच ब्रेक में घर आ गए थे और उन्होंने खाना वैसे तो खाना सुबह खाना खा के गए थे बट फिर से आ गए और खाना भी खा लिया और चाय भी पी ली और बस खाना खा के चाय पी के वो अभी गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक अभी से खाना भी बना लेती हूँ ताकि मैं शाम को ज़्यादा लेट ना हो जाऊँ। और फिर क्या होता है ना कि शाम होते होते हम लोग बहुत थक जाते हैं, हम लेडीज भी बहुत थक जाते हैं तो काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि जब तक मतलब बन रहा है करते तब तक मैं फटाफट से सारा काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने अभी दाल चढ़ा दी है और फटाफट से भी जाऊँगी और बाटी और चूरमा भी बना लूँगी और फिर लगे हाथ में लड्डू भी बना लूँगी जिससे कि शाम तक मेरा सारा काम भी हो जाएगा और फ्री होकर हम आराम से फिर पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने आरती की थाली भी सजा ली है, अभी कुछ एक सामान थोड़ा बहुत मतलब जो रखना चाहिए वो मैंने रख लिया है, बाकी का सामान अभी मैं रखने वाली हूँ। तो इसमें मैंने देखिए क्या क्या रखा है, इसमें ये रखा है जो पूजा में लगता है, हमें माता रानी को चढ़ाना पड़ता है सुहाग का पूड़ा बोलते हैं इसको, ये रखा है और ये दिया रखा है मैंने। और फल में अभी फल वगैरह कुछ थे नहीं तो मैंने ककड़ी थी वो रखी है और ये सामान जो देने वाला जो होता है सौंप का हम सामान अपनी सास को देराने उठाने या फिर ननद को जो देते हैं वो सामान है सारा इसमें, तो वो सामान इसमें रख दिया मैंने। और एक नारियल और पीस रखी है और बाकी का ये सारा सामान है जो जो आरती में पूजा में लगता है वो। इसके अलावा मिठाई का पैकेट हुआ और भी जो सामान इसके लिए पान लगता है वो सारी चीज़ें शाम को मैंने कुछ के पापा से बुलाई है तो वो लेकर के आएंगे तब मैं इसमें सारा सामान रख दूँगी। फिलहाल के लिए अभी ये हो गई है मेरी शाम की पूजा की तैयारी। अभी बज गया शाम का 4 और मुझे खाना भी बनाना है, मतलब मेरी दाल बन चुकी है, आटा भी गूंथ दिया है मैंने बाटी बनाने के लिए, तो फटाफट से मैं बाटियाँ बना लेती हूँ। चूरमा भी मुझे बनाना है क्योंकि मुझे चूरमे के लड्डू भी बनाने हैं पूजा के लिए, तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ क्योंकि फिर शाम हो जाएगी तो मुझे फिर तैयार होने में लेट भी नहीं होगा। तो ठीक है नेक्स्ट वीडियो में बातें करते हैं कि आज के दिन करवा चौथ पर मैंने और रात को क्या क्या किया, कैसे पूजा की, तो नेक्स्ट वीडियो में ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।